राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों किसानों मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी, ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। पूर्व सांसद सालखर मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। टीएससी को लेकर मुख्यमंत्री का कदम असंवैधानिक है। इसके साथ ही संवैधानिक संकट में राज्य को डालने के लिए राजभवन पर भी आरोप लगाया है। नवम्बर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जो वक्तव्य दिया पूरे देश की आंखों को खोलने वाला था। उन्होंने कहा कि भारत देश के लोग संविधान के प्रीएम्बल, संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह बात गांव तक, गरीबों तक, वंचितों तक क्यों नहीं पहुंचा, जेल में निर्दोष कैदियों तक क्यों नहीं पहुंचा। मैं उसी बात को झारखंड के संदर्भ में आगे बढ़ाना चाहता हूं। झारखंड बने 22 साल हो गए, यहां सबसे ज़्यादा संविधान कानून का उल्लंघन हुआ है, जितना लागू होना चाहिए उससे ज़्यादा उल्लंघन हुआ है। इसके लिए यहां भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका दोषी है। ताज़ा उदाहरण ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मामले पर हेमंत सरकार ने एक साल पहले से जो नियमावली बनाया, टीएसी का गठन किया, वो बिल्कुल राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण है। संविधान के अनुच्छेद 244 के एक पार्ट बी धारा 4 के 3 के तहत केवल और केवल राज्यपाल महोदय को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने का अधिकार है। जिस अधिकार को हड़प कर हेमंत सोरेन ने मनमर्जी किया है, मनमर्जी कमेटी बनाई है, मनमर्जी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा करना संविधान को तोड़ना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और संविधान की गरिमा प्रतिष्ठा के ऊपर में हमला बोल है और ये गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मामला है। इस मामले पर हम झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को चाहिए झारखंड सरकार को अविलंब शोकॉज नोटिस जारी करे। मगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ जो ब्यूरोक्रेसी जुड़े हुए हैं, आईएएस अफसर लोग, मुझे लगता है ये भी संवेदनहीन और उदासीन रूप से काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल ने भी के राजभवन ने भी दो गलतियां की। एक कि राजभवन के तरफ से कहा जाता है केवल दो टीएससी के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, ये गलत है, बल्कि पूरे 20 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार केवल राज्यपाल को है, मुख्यमंत्री केवल अनुशंसा कर सकता है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा
ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।